आज मॉम्स किचन में बन रहा है टमेटो केचप। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये घर का है या बाजार का। एक बार टेस्ट कर लेंगे तो कभी बाजार का खाने का मन ही नहीं करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर लें। तो चलिए देर किस बात की। एक केजी में लाल टमाटर ली हूँ, इसको काटना है। इसको जरूर निकाल लें। एकदम सुंदर सा लाल लाल टमाटर लेना है ताजा। अब ये मैं पूरा टमाटर काट ली हूँ। टमाटर का सीजन है तो एक बार तो बनाना पड़ता है, जरूर बनाइए। मैं कढ़ाई को गैस ऑन करके रख दी हूँ। इसमें इतना थोड़ा सा ही पानी डालना है क्योंकि अधिक पानी डालने से सुखाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, अधिक पानी डालेंगे तो टाइम लगेगा इसको सूखने में। अब ये मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। इसमें कुकर का भी जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी पक जाएगा। इसमें देखिए एक चक्र वाला फूल ली हूँ, दालचीनी 10-11 गोलकी, 2 मैं इलायची ली हूँ हरावला, इसमें आधा चम्मच जीरा ले लीजिए और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम साबुत धनिया ले लीजिए और ये सबको कूट कर पोटली में बांध देना। यदि आपको लहसुन और प्याज डालना है तो डाल सकते हैं, मैं इसको नहीं डाल रही हूँ। इसको खरबट्टा में कूट लेना है। इसका मैं इसको ठंडा होने पर मैं इसमें निचोड़ ली हूँ और अब ये मेरा टमाटर ठंडा हो गया तो जार में डाल दीजिए। यदि बड़ा जार नहीं है तो आप छोटा में बारी बारी से चला सकते हैं। ये मेरा ये चलाकर रेडी कर लिए। ऐसे तो इसमें नहीं कुछ निकलना चाहिए, फिर भी ट्राई करके देखती हूँ। इसमें कुछ नहीं आया है, इसी तरह करके पूरा छान लेना है और इसमें यदि कुछ टुकड़ा रहे तो फिर चला देना। अब ये मेरा टमाटर सॉफ्ट हो गया है। ये पोटली में जो गरम मसाला, लवंग,
इलायची, दालचीनी, जीरा इसके डालने से बच्चे लोग का इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है और इसको बचाकर करना है, केवल इसका फ्लेवर आना चाहिए। अभी मैं इसको थोड़ा और ढक रही हूँ, 5 मिनट के बाद मैं फिर इसको खाती हूँ। अब मेरा 5 मिनट हो गया, देखिए पोटली को करना है, केवल फ्लेवर के लिए डाली हूँ। अभी मेरा करीब करीब रेडी होने जा रहा है। इसका फ्लेवर इसमें आ गया, इसको सब्जी में डाल सकते हैं। गैस मैं बंद कर दी हूँ, दे रही हूँ। इसके बाद पोटली का रस इसमें निचोड़ दूंगी और उसके बाद में ये जब ठंडा होगा तो मिक्सी में चलाना। अब ये मेरा मिक्सी में चला के छान ली हूँ और गैस ऑन कर रही हूँ। इसमें 200 ग्राम शक्कर है, 1/4 cup डाल रही हूँ। एक चम्मच जिंजर पाउडर डाल रही हूँ, 2 चम्मच नमक है खाने वाला, 1 चम्मच काला नमक है। ये खाने वाला लाल मिर्च है, ये शिमला मिर्च है, कश्मीरी मिर्च है कलर आने के लिए। ऐसे मेरा परफेक्ट पहले से ही कलर आ चुका है। ये देखिए कितना अच्छा गाढ़ा हो गया है, लेकिन इससे नहीं कुछ चलेगा, इसमें डाल के देखना है। देखिए बिल्कुल ठीक है, नहीं निकल रहा है। अब ये ठंडा होगा तो मैं डाल दूँगी। जार में डालने वाली हूँ, अभी इसको ठंडा होने दे रही हूँ। ये ठंडा होने के बाद देखिए बहुत सा गाढ़ा हो गया, इसको आराम से आप 2 महीना खा सकते हैं। सही है, मेरे यहाँ पे 1 महीना चलता है।
चाहे बहुत मेहनत। ₹30 में ये सॉस बन गया, बन के रेडी हो गया। बाहर इसे दुगना दाम लगता है, इसलिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके घर में बना कर खाएं। और ये घर में बना है तो हेल्दी ज़रूर है बाज़ार से। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।